भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना से देश की 135 करोड़ की आबादी को न केवल सुरक्षित रखना बल्कि एक एक गरीब के घर तक उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी आवश्यकताओं के लिए इस पूरे कालखंड के दौरान उसे हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 1,76,000 करोड़ रुपए की हर गरीब की जरूरत को पूरा करने की योजना हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए 20,00,000 करोड़ रुपए की देश के युवाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबके के लिए पैकेज की घोषणा के साथ ही उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने का हो, देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यस्तताओं के साथ ही काशी के बारे में हर पल हर क्षण हर जानकारी रखने और यहाँ के लोगों की, यहाँ के विकास की, यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने की हर पल हर क्षण चिंता करने के साथ ही उसके प्रति निरंतर एक जुड़ाव के साथ आज दुनिया की दो प्राचीन नगरियों को जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन देव दीपावली के शुभ अवसर पर अपने इस पवित्र काशी में हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी अपनी पुरातन काया के साथ, नए कलेवर के साथ वैश्विक मंच पर एक बार फिर से जगमगा रही है और ये हम सब एहसास कर सकते हैं। पिछले 6 वर्षों के दौरान लगभग 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो लोकार्पित हुई हैं या उनका शिलान्यास हुआ है और वर्तमान में ढेर सारी परियोजनाओं पर युद्ध स्तर पर कार्य भी चल रहा है। एक काशी के विकास की उस नई गौरव गाथा को आगे बढ़ाने की कहानी है जिसके लिए काशी का प्रत्येक नागरिक वर्षों से, सदियों से उतावला था। आज काशी की तमन्ना प्रयागराज और काशी को जोड़ने की इस 6 लेन के हाईवे के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी होने जा रहा है। पूरे देश के अंदर 2014 के बाद हाईवे निर्माण की गति या देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए और विगत 3.5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके अनुकंपा से प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी जो कार्यक्रम आगे बढ़े, आज उसका परिणाम है कि 2014 के पहले के बाद छोड़िए, 2014 के बाद अगर हम प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे के निर्माण की स्पीड को देखेंगे तो एवरेज लगभग 2 किलोमीटर मार्ग हाईवे का निर्माण प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये विकास की एक नई कथा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर लिखे जाने की एक नई व्यवस्था हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज के इस अवसर पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया के सामने जिस मजबूती के साथ रखा है, हम सब देख रहे हैं, सामरिक दृश्य हो, भारत की सुरक्षा का मामला हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का हो या फिर विकास की योजनाओं का लाभ एक एक नागरिक तक पहुंचाने का हो, पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन उनकी स्वयं की काशी में आज हम सबको स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं प्रयागराज काशी को जोड़ने वाले इस 6 लेन के हाईवे के लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें इस बात का के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, गरीब कल्याण का और जो भी योजना केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में, देश हित में, लोक कल्याण के लिए लागू की जाती हैं, उत्तर प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से भगवान विश्वनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सुगम संपर्क। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सुगम संपर्क, तेज विकास, सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता भी है और प्रतिबद्धता भी। इसी दिशा में है आज का ये लोकार्पण, आज का ये कार्यक्रम। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो 73 किलोमीटर लंबे 2,447 करोड़ की लागत से बने वाराणसी प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना का बटन दबाकर लोकार्पण करें। बटन दबा, पर्दा हटा, शिलापट का अनावरण, काशीवासियों को विकास का एक नया उपहार, उत्तर प्रदेश में विकास की तेज रफ्तार का एक नया अध्याय इस राजमार्ग के लोकार्पण के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये परियोजना कैसी है, किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन की उच्च तकनीक के साथ ये बनी है और इसका लाभ क्या क्या होगा, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुगम यातायात और विकास को गति देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के 5वें चरण के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के प्रयागराज से वाराणसी खंड का 6 लेन में चौड़ीकरण किया गया है। भारत के 2 सांस्कृतिक शहरों प्रयागराज और वाराणसी को आपस में जोड़ने वाली ये परियोजना इन दोनों शहरों के बीच आवागमन को सुगम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाएं वाराणसी में सफलतापूर्वक संचालित है और इस क्षेत्र की तरक्की को गति दे रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के प्रयागराज से वाराणसी खंड की कुल लंबाई 73 किलोमीटर है। इस राजमार्ग को 2,447 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आधुनिक तकनीकी से निर्मित 6 लेन के इस राष्ट्रीय राजमार्ग में 5 एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स, 3 फ्लाईओवर्स, 10 वाहन अंडरपास और 12 पैदल अंडरपास का निर्माण किया गया है। यह राजमार्ग दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर का भी एक प्रमुख भाग है। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ते हुए यह राजमार्ग पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर तथा वाराणसी से होकर गुजरता है। इस परियोजना में निर्मित एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स और फ्लाईओवर्स के कारण इन क्षेत्रों में भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी। पहले वाराणसी से प्रयागराज के मध्य यात्रा करने पर 3.5 से 4 घंटे का समय लगता था, अब इस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात मात्र 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, जिससे समय तथा ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भारी कमी आएगी। साथ ही शहरों के विकास को गति मिलेगी और लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना वाराणसी और प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देगी तथा मां विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर एवं सीतामढ़ी मंदिर भदोही की तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आवागमन सुलभ करेगी।
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया जा रहा है, तो विकास को रफ्तार देने के लिए तैयार है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का प्रयागराज से वाराणसी खंड। आइए प्रगति के इस पथ का हिस्सा बने। उत्सव से जब जन कल्याण का उद्देश्य जुड़ जाता है तो वास्तव में उत्सव की शोभा और सार्थकता और बढ़ जाती है। आज का ये आयोजन देव दीपावली में शाम को सजे असंख्य दीपों की आभा में विकास के रंग भी जोड़ देगा। 135 करोड़ भारतीयों के हृदय में उम्मीद, विश्वास, विकास, स्वावलंबन और गौरव के दीप जलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम पूरे आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने ओजस्वी प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारे हौसलों को एक बार फिर नई शक्ति दें। आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री। मेरी काशी के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबके प्रणाम बा। विशेषकर राजा तालाब, मिर्जा मुराद, कछवा, कपसेठी, रोहनिया, सेवापुरी क्षेत्र के अन्य देवता लोगन के प्रणाम हो। आप सभी को देव दीपावली और गुरु पर्व की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, संसद में मेरे साथी भाई रमेश चंद जी और विशाल संख्या में पधारे हुए काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर आज काशी को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और उपहार मिल रहा है। इसका लाभ काशी के साथ ही प्रयागराज के लोगों को भी होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है साल 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान पर हुई थी। और तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन का हो चुका है। पहले जो लोग हंडिया से राजा तालाब आते जाते थे, उन्हें पता है
इस हाईवे पर कितनी ज्यादा मुश्किलें आती थी, जगह जगह जाम, बहुत धीमे ट्रैफिक, दिल्ली और दूसरे शहरों से भी जो लोग आते थे वो इस रास्ते पर आकर परेशान हो जाते थे। 70 किलोमीटर से ज्यादा का ये वो सफर अब आराम से होगा, तेज रफ्तार में होगा। इस हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। भाई और बहनों, आस्था से जुड़ी जगह हो या फिर किसी विशेष काम की, लोग कहीं भी आने जाने से पहले ये जरूर देखते हैं कि वहां आना जाना कितना आसान है। इस प्रकार की सुविधाएं देसी विदेशी हर तरह के टूरिस्टों और श्रद्धालुओं को भी प्रोत्साहित करती है। बीते वर्षों में काशी के सुंदरीकरण के साथ साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। नई हाईवे बनाना हो, पुल फ्लाईओवर बनाना हो, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो, जितना काम बनारस और आसपास के इलाके में अभी हो रहा है उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। बनारस का सेवक होने के नाते मेरा प्रयास यही है कि बनारस के लोगों की दिक्कतें कम हो, उनका जीवन और आसान बने। पिछले 6 वर्षों में बनारस में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क आज बनारस में विकास कार्यों की पहचान बन गई है। रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। यहां से कुछ दूरी पर ही रिंग रोड फेज 2 का भी कार्य तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने से सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर से आने जाने वाले भारी व्हीकल्स शहर में एंट्री लिए बिना सीधे इस नए 6-लेन हाईवे से निकल सकेंगे। वहीं जिन दूसरे हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा है वो भी जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन हाईवे के बनने से वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर की यात्रा और आसान हो जाएगी। भाइयों और बहनों, अच्छी सड़कें, अच्छे रेल मार्ग, अच्छी और सस्ती हवाई सुविधाएं ये समाज के हर वर्ग को सुविधा देती है, विशेष तौर पर गरीब को, छोटे उद्यमियों को, मध्यम वर्ग को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है।
जब निर्माण कार्य चलता है तो अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होते हैं तो समय बचता है, खर्च कम होता और परेशानी भी कम होती है। कोरोना के इस समय में भी श्रमिक साथियों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट ही बने हैं। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार बनने के बाद यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है। पहले उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी ये आप सभी भली भांति जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। देश के 2 बड़े और आधुनिक डिफेंस कॉरिडोर में से एक हमारे उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। भाइयों बहनों, रोड ही नहीं बल्कि एयर कनेक्टिविटी को भी सुधारा जा रहा है। 3-4 साल पहले यूपी में सिर्फ 2 बड़े एयरपोर्ट ही प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। आज करीब 1 दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। प्रयागराज में एयरपोर्ट टर्मिनल जितनी तेजी से बना उसने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया था। इसके अलावा कुशीनगर के एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को भी होता है, खेती को होता है। बीते वर्षों में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं, बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी कि उनकी आय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, वाराणसी सहित पूर्वांचल में ही जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसका बहुत अधिक लाभ इस पूरे क्षेत्र को हुआ है। वाराणसी में पेरिसेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को
अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इस स्टोरेज कैपेसिटी के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात हो रही है। आज बनारस का लंगड़ा और बनारस की दशहरी आम लंदन और मिडल ईस्ट में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। अब बनारस के आम की डिमांड विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविधाएं तैयार हो रही है, उस वजह से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। आम के अलावा इस साल यहां की ताजा सब्जियां भी दुबई और लंदन पहुंची है। ये एक्सपोर्ट हवाई मार्ग से हुआ है, यानी बेहतर हवाई सेवाओं का सीधा लाभ यहां के छोटे से छोटे किसानों को हो रहा है। गंगा जी पर जो देश का पहला इनलैंड वाटरवे है, इसका उपयोग किसानों की उपज के ट्रांसपोर्ट के लिए अधिक से अधिक कैसे हो, इस पर भी काम हो रहा है। साथियों, सरकार के प्रयासों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल ब्लैक राइस है। ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर के आ रहा है। चंदौली के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दो साल पहले काले चावल की एक वैरायटी का प्रयोग यहां किया गया था। पिछले साल खरीफ के सीजन में करीब 400 किसानों को ये चावल उगाने के लिए दिया गया। इन किसानों की एक समिति बनाई गई, इसके लिए मार्केट तलाश किया गया। सामान्य चावल जहां 35-40 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, वहीं यहां बेहतरीन काला चावल 300 रुपए तक बिक रहा है। बड़ी बात यह भी है कि ब्लैक राइस को विदेशी बाजार भी मिल गया है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को यह चावल निर्यात हुआ है, वो भी करीब 850 रुपये किलो के हिसाब से। यानी जहां धान का एसपी 1800 रुपये है, वहीं काला चावल 8500 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। मुझे बताया गया है कि इस कामयाबी को देखते हुए इस बार के सीजन में लगभग 1000 किसान परिवार काले चावल की खेती कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के लगभग 4 करोड़ किसान परिवारों की मदद हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लगभग
47 लाख 87 लाख हेक्टर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। लगभग 77,000 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन साथियों, सफल प्रकल्प ही काफी नहीं होते, इसके साथ साथ किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाभ भी मिलना चाहिए जो हमारा देश, दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है, अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। साथियों, सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ऐसे एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा।
अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है, अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी, घोषणाएं होती थी खरीद नहीं होती थी, सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया, किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे, यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी लेकिन वो खुद मानते थे कि एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं, यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था, यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। साथियों, जब इतिहास छल का रहा हो तब दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था, इसलिए वही फॉर्मूला लगा करके आज भी देख रहे हैं। लेकिन जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो सच आपके सामने खुल करके आ जाएगा। हमने कहा था
कि हम यूरिया की कालाबाजारी रोकेंगे और किसानों को पर्याप्त यूरिया देंगे। बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी। पहले तो यूरिया ब्लैक में लेना पड़ता है, यूरिया के लिए रात रात लाइन में ला करके रात को बाहर ठंड में सोना पड़ता था और कई बार यूरिया लेने वाले किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं होती थी। आज ये सब बंद हो गया। यहां तक कि कोरोना लॉकडाउन तक उसमें भी जब लगभग हर गतिविधि बंद थी तब भी हमने यूरिया पहुंचाने में दिक्कत नहीं आने दी गई। हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। और इतना ही नहीं, किसान के बैंक खाते तक पैसे पहुंचे इसका प्रबंध किया। साथियों, सिर्फ दाल की ही बात करें, पल्सिस की बात करें, 2014 से पहले के 5 सालों में, हमारे जो पहले वाली सरकार थी उसके 5 सालों में लगभग 650 करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गई थी। कितनी? 650 करोड़। कितना भैया, जरा बताइए, पूरे देश में कितना? 650 करोड़। लेकिन हमने 5 साल में क्या किया आकर के? हमारे 5 सालों में हमने लगभग 49,000 करोड़ यानी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की दालें एमएसपी पर खरीदी है, यानी लगभग 75 गुना बढ़ोतरी। कहां 650 करोड़ और कहां करीब करीब 50,000 करोड़। 2014 से पहले के 5 सालों में, उनकी आखिरी सरकार की मैं बात कर रहा हूं, 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था पूरे देश में, 2 लाख करोड़ का एमएसपी पर। लेकिन हमने हमारे 5 साल में धान के लिए 5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में किसानों तक हमने पहुंचा दिए हैं। साथियों, यानी लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है। 2014 से पहले के 5 सालों में गेहूं की खरीद पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला, 1.5 लाख करोड़, उनकी सरकार के 5 साल। हमने 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़े हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर, ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे, ये लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है,
ये 2000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य में तो इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा भी हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए, यहां तक झूठ फैलाया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, एक राज्य जो किसान के नाम से बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय जयकार हो गया तो फिर तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। किसानों के जेब में पैसा नहीं जाने दिया। मैं उन राज्य के किसानों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये पैसा भी मैं वहां के किसानों को दे के रहूंगा। साथियों, देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है, और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लगातार चल रहा है। साल में 3 बार देते हैं और अब तक 1,00,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुका है। साथियों, हमने वादा किया था कि किसानों के लिए पेंशन योजना बनाएंगे। आज पीएम किसान मानधन योजना लागू है और बहुत कम समय में ही 21 लाख किसान परिवार इसमें जुड़ भी चुके हैं। भाइयों और बहनों, वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे, और मुझे विश्वास है मीडिया में भी इसकी सकारात्मक चर्चाएं होगी और हमें देखने भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर
अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। अंत में फिर एक बार आप सभी को इस आधुनिक हाईवे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। काशी का रूप और स्वरूप यूं ही भव्य बनता रहे, इसके लिए हमारे प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। अभी मेरे बनारस में और भी कार्यक्रम है, यहां भी कई विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। कोरोना के कारण इस बार मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आज आपके दर्शन हो गए, मुझे नई ऊर्जा मिल गई, आपके आशीर्वाद मिल गए, काम करने की नई ताकत मिल गई। आप इतनी बड़ी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।